नमस्कार जी हाँ, किसानों के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना लागू कर दी गई है। यानी अब किसानों को सालाना मिलेंगे 12,000 रुपये। यानी सरकार दे रही है इसकी मंजूरी। यानी इस योजना के तहत राज्य सरकार ने मीटरेड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर यानी प्रतिमाह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष देने के अनुदान देगी। इस वर्ष 1,000 रुपये यानी आपको बता दें 1,450 करोड़ रुपये जो कि वित्तीय भार आएगा सरकार पर। इस योजना का लाभ मई से ही यहाँ पर 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आज एक और बड़ी खबर है, इस तहत विद्युत वितरण निगमों के द्वारा बिल व्यवस्था के आधार पर उपभोक्ताओं को विविध विभिन्न जारी किए गए जाए। यानी आपको बता दें 60% अधिकतम 1,000 रुपये प्रतिमाह दे होगा। यानी केंद्र व राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी है आयकर दाता व कृषि उपभोक्ताओं को इस राशि के लिए कोई पात्र नहीं होंगे। जो भी कोई सरकारी कर्मचारी होगा इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। पात्र उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगा लाभ, तो आपको बता दें पात्र उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड का संख्या व बैंक खाते को इस योजना में जुड़वाना होगा। संबंधित बकाया नहीं होने पर भी आपको बता दें जिन्होंने बिल नहीं भरा है वह उन्हें राशि नहीं मिलेगी। बकाया उपभोक्ता कर देने वाले उपभोक्ताओं को राशि बिल के पर्दे होगी। इस योजना लागू होने के बाद माह के पहले महीने बकाया विद्युत राशि को अनुदान में समुचित नहीं किया जाएगा। आपको बता दें यदि कोई किसान बिजली का यानी कम उपयोग करता है और उसका बिल 1,000 से कम है तो वास्तविक बिल अनुदान की राशि के अंतरराशि में उसको जरूर पैसा मिलेगा और उसके सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर यानी जमा कर दी जाएगी। यानी इस योजना के तहत किसानों को बिजली की बचत को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वर्ष 2021 व 22 की बजट में हुई ये घोषणा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 व 22 के लिए बजट में सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं जिनका बिल मीटरिंग से आ रहा है उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रति वर्ष यानी अधिकतम 12,000 रुपये अनुदान देने राशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री बजट की ये घोषणा है। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। धन्यवाद।